गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर स्टडी चैप्टर नंबर 1 इन योर हिस्ट्री बुक एंड द चैप्टर नेम इज ट्रेसिंग चेंज थ्रू अ 1000 ईयर एंड टुडे टॉपिक इज रीजन एंड एम्पायर। रीजन मींस क्षेत्र, एम्पायर मींस सभी जानते हैं, ये तो मतलब हमें पता चल रहा है कि हम किसी क्षेत्र के बारे में और किसी राजा के शासनकाल के बारे में पढ़ेंगे, है ना, ये तो सभी जानते हैं। तो अब हम कौन से पीरियड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम इस लेसन में कौन से इनिशियंट पीरियड की बात कर रहे हैं या मिडवेल पीरियड की बात कर रहे हैं? हम मिडवेल पीरियड की बात कर रहे हैं ना, तो 700 से 1700 के बीच की बात कर रहे हैं। तो उस पीरियड में किस राजाओं के शासनकाल ज्यादा रहे हैं या जिनका इतिहास में नाम है, उनके बारे में थोड़ा सा हम इसमें जानेंगे। तो फर्स्ट नाम आता है इसमें गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन का शासनकाल रहा है 1266 से 1287 तक। इतने लंबे टाइम पीरियड में इनका शासनकाल रहा है, लेकिन इस टाइम पीरियड के लिए इन्हें नहीं जाना जाता। इन्हें जाना जाता है कि इनका एम्पायर काफी एरिया, बड़े एरिया को कवर कर रहा था, काफी बड़े एरिया में फैला हुआ था। अगर हम बात करें तो बंगाल से लेकर, जो हमारा ईस्ट में बंगाल है, वहां से लेकर पूरे साउथ को कवर करते हुए अफगानिस्तान तक इनका शासनकाल था। तो इतने लंबे एरिया में इनका शासनकाल था और इनके नाम से इनके शासनकाल के आगे सब सरेंडर कर देते थे। इस राजा के आक्रमण करने पर सभी लोग सरेंडर करते थे और धीरे धीरे इनका एम्पायर बढ़ता गया। तो इस तरह से काफी लंबा इनके नाम पर है कि इतने बड़े एरिया के राजा थे ये। बट वहीं पर कुछ इतिहासकार जो हैं हमारे, वो थोड़े से कंफ्यूज हैं। वो सोचते हैं कि इतने बड़े एरिया में इनका शासनकाल होना पॉसिबल नहीं है, तो वो थोड़ा सा इसको लेकर थोड़े से कंफ्यूज भी हैं। तो दोनों ही उल्लेख देखने को मिले हैं कि इनका शासनकाल इतना बड़ा भी है और कुछ कंफ्यूजन भी देखने को इनके बारे में हमें मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस टाइम पीरियड में और भी कई राजा रहे हैं जिनका पर्टिकुलर एरिया पे अच्छा खासा राज्य रहा है और जिनको हम आज तक देखते हैं। जैसे मुगल, मुगल को हम सभी जानते हैं ना, अकबर, शाहजहां, जहांगीर सभी जानते हैं, हुमायूं। तो मुगल का काफी बड़ा राज्यकाल रहा है इस टाइम पीरियड में। इसके अलावा चोलाज हैं, खिलजीज हैं, तुगलक हैं, इन सब का इन शासन इस टाइम पीरियड में काफी शासन रहा है। और मेन ये चीज थी कि इस टाइम पर एक स्टेबल हो गया था कि इस पर्टिकुलर एरिया में, इस राज्य में इन लोगों का शासनकाल है, इस पर्टिकुलर एरिया में इन राजाओं का शासनकाल है। हाँ, ऐसा नहीं है कि उनके बीच में लड़ाई नहीं होती थी, बिल्कुल होती थी, कि कुछ राज्य को अधिकार करने के लिए कि एक राज्य दूसरे राज्य पर अटैक कर रहा है या उसका राज्य उन्होंने अधिकार में ले लिया है, तो ये सब होता था। फिर भी एक पर्टिकुलर नाम है जो कि मेन उभर के आते हैं उस टाइम पीरियड में कि इनका शासनकाल काफी अच्छा रहा है। तो अभी ये हमने राजाओं के नाम के बारे में जाना है। अब हम जानते हैं क्या धर्म में भी परिवर्तन आया है, क्या हमारे रिलीजियस में भी चेंजेस हुए हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। हमारे धर्म में किस तरह से परिवर्तन आया है, इतने अगर हम 700 से 1700 के बीच की बात कर रहे हैं तो बहुत लंबा टाइम पीरियड है। मीन्स धर्म में भी कुछ तो परिवर्तन आए होंगे, तो वो ही डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा हिंदू धर्म लेते हैं, है ना, हिंदू धर्म की बात करते हैं, क्योंकि इंडिया में तो हिंदू धर्म तो बेशक हो गई से। क्या चेंजेस आए हैं? फर्स्ट तो हिंदू धर्म में देवी देवताओं को ज्यादा मानने लगे थे। बहुत सारे देवी देवताओं को धीरे धीरे मानना ज्यादा स्टार्ट कर दिया था और देवी देवताओं की संख्याओं में भी बढ़ोतरी हुई थी। ये पहले कम मानते थे और धीरे धीरे ज्यादा मानने लगे। फर्स्ट तो ये हुआ। सेकंड, टेंपल ज्यादा बनने लगे। देवी देवताओं को मानने के साथ साथ जितना भी टेंपल था, अगर इसमें बात करें टेंपल की, तो टेंपल ज्यादा बनने लगे थे। जितने हम देवी देवताओं को मान रहे थे उतने टेंपल बन रहे थे। धीरे धीरे ओवर अ पीरियड टेंपल एक खुद के पावर का शो ऑफ करना हो गया था। राजाओं के लिए उनकी पावर शो ऑफ कैसे कर रहे थे कि एक बड़ा सा टेंपल बना के, एक बड़ा सा मंदिर का निर्माण किया है, उस पे नाम लिखाते थे किस राजा ने बनाया है, उसने बनाया है। देन वो खुद के अधिकार को, खुद के सत्ता को, खुद को पावर को शो ऑफ करना चाह रहे थे। तो ये धीरे धीरे कल्चर डेवलप हुआ कि राजा खुद की प्रभुता को कैसे दिखा रहे हैं, एक बड़ा सा टेंपल एस्टेब्लिश करके पर्टिकुलर एरिया में कि हाँ ये इस राजा ने बनवाया था और इतना भव्य मंदिर का निर्माण उन्होंने किया है। अब दूसरा, अगर हम हिंदू धर्म में टेंपल, तो मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि टेंपल किस तरह से था। दूसरा है ब्राह्मण। टेंपल को रन कौन करता था, टेंपल को कौन चलाते थे? ब्राह्मण चलाते थे। अब ब्राह्मण चला रहे थे मीन्स राजा अगर बड़े से टेंपल का निर्माण कर रहे हैं, उस बड़े से टेंपल को ब्राह्मण चला रहे हैं,
तो ब्राह्मण तो ऑलरेडी पावरफुल हो गए क्योंकि वो इस बड़े से टेम्पल को चला रहे हैं। सेकंड, ब्राह्मण को ही संस्कृत का नॉलेज था और किसी को इतना संस्कृत का नॉलेज नहीं था जितना ब्राह्मण को था। तो ब्राह्मण की जो पावर है वो धीरे धीरे क्या हुआ, इंक्रीज होने लगी थी। राजाओं को अगर कुछ भी डिस्कशन करना है या संस्कृत धर्म के बारे में जानना है देन वो ब्राह्मण के पास जाते थे। तो ब्राह्मण तो ऑलरेडी पूछ परख ज्यादा होने लगी थी तो उनको रेस्पेक्ट मिलना नेचुरली ज्यादा हो गया। तो ब्राह्मण की जो पावर है धीरे धीरे इस टाइम पीरियड में इंक्रीज होने लगी थी। और मैंने इसके दो रीजन बताए, फर्स्ट तो टेम्पल का एस्टेब्लिश होना और टेम्पल को रन ब्राह्मण करते थे इसलिए ब्राह्मण की पावर ज्यादा हुई। सेकेंड, संस्कृत का नॉलेज ब्राह्मण को ज्यादा था। तो ये तो हमारा हिंदू में ओनली टेम्पल और ब्राह्मण का डिस्क्राइब था। सेकेंड, हिंदू धर्म में और हो क्या रहा था, न्यू आइडियाज ऑफ भक्ति, भक्ति के नए नए आइडिया आ रहे थे। भक्ति के नए नए आइडिया कैसे, जैसे ब्राह्मण जो रीति रिवाज बना रहे थे और बता रहे थे कि इस तरह से भगवान को पूजना चाहिए, ये पूजा करनी चाहिए, उससे अलग हटके भी लोग सोचने लगे थे। उससे अलग हटके क्या, कि सभी इंसान में भगवान का रूप है, सभी इंसान भगवान का रूप है, हर जगह भगवान है, सिर्फ मंदिर में ही नहीं, हर जगह भगवान है। ये आइडियाज भी कहां पर आए थे, इसी टाइम पीरियड में आए थे। इस तरह का कौन फॉलो करता था, कबीर दास जी के दोहे में हमें देखने को मिलते हैं, मीराबाई के भजन में देखने को मिलते हैं कि मीराबाई कृष्ण को हर जगह मानती थी और उनकी पूजा ठीक है पर्टिकुलर मंदिर है यह रहता है लेकिन फिर भी उनके भजन में लीन रहती थी, हर जगह वो कृष्ण को देखती थी। कबीर और मीराबाई के दोहों से भक्ति की नई परिभाषा डेवलप हुई थी कि हर जगह भगवान है, पर्टिकुलर अंधविश्वास या कोई कर्म कांड को मानने से ही हम पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, भगवान का स्मरण नहीं कर रहे हैं, हम भगवान को हर जगह स्मरण कर सकते थे। ये एक नया आइडिया था जो कि इसमें धीरे धीरे इस टाइम पीरियड में एस्टेब्लिश हो रहा था। ये हमारे हिंदू धर्म और उससे रिलेटेड बात हो गई। अब हम बात करते हैं मुस्लिम धर्म की। मुस्लिम धर्म में सबसे पहले कुरान को इसीलिए लिया है, कुरान इंट्रोड्यूस कैसे हुई इंडिया में, जितने भी मर्चेंट थे एंड माइग्रेट जो भी लोग होकर आए थे, जितने भी व्यापारी थे जो कि व्यापार करने के उद्देश्य से इंडिया में आए थे और जितने भी माइग्रेट होकर आए थे, कुछ लोग अफगानिस्तान से धीरे धीरे सेटल डाउन यहीं हो गए थे, वो सब अपने साथ कुरान लाए थे और कुरान को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर। देन कुरान से इस्लाम धर्म आया हमारे यहाँ पर। इस्लाम धर्म क्यों फेमस हुआ, क्योंकि वहां पर एक ही था अल्लाह, जिसको सारे इस्लाम वाले मानते थे। धीरे धीरे यहाँ के लोगों ने इस्लाम के बारे में जाना और उनके अनुयायी बनते गए, ठीक है, वो वहां के ओबामास को और इस्लाम धर्म को मानने वाले बढ़ते गए। फिर इस्लाम धर्म में भी दो ब्रांचेस थी, उसको भी जान लेते हैं। दो इस्लाम धर्म के दो ब्रांचेस थी, सिया एंड सुन्नी। सिया जो ब्रांच थी ये मोहम्मद साहब के सन इन लॉ की थी, जिसका नाम था अली। तो जो अली को मानने वाले थे वो सिया धर्म को सिया ब्रांचेस में को फॉलो करते थे। दूसरे थे सुन्नी ब्रांचेस वाले। सुन्नी ब्रांचेस वाले जो थे वो खलीफा को मानने वाले थे। अब खलीफा कौन थे, तो इस्लाम धर्म को जो शुरू से जिस फॉलो किया है, जिसने इस्लाम धर्म का संरक्षण किया चलाया है, वो थे खलीफास। तो खलीफास को मानने वाले सुन्नी थे और अली को मानने वाले सिया में आ गए। इस तरह से इस्लाम की भी दो ब्रांचेस में हमने इस टाइम पीरियड में इस्लाम को देखा कि इस तरह से दो इसकी ब्रांचेस हो गई। देन ये हमारे रिलीजन से रिलेटेड बातें हुई, धर्म से रिलेटेड बात हुई। अभी हमने राजाओं के शासनकाल के बारे में पढ़ा है, धर्म के बारे में पढ़ा है और इस ओवरऑल इस लेसन में हमने सब कुछ जाना है कि कैसे धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंजेस आ रहे थे। देन अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। अगर हम इस पूरे पीरियड को, अगर इस पूरे समय को कुछ टाइम पीरियड में बांट दें तो कैसा रहे, कि हाँ इस टाइम पर ये हुआ है, उस टाइम पर ये हुआ है, क्या हिस्ट्री को डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारे इंडिया की हिस्ट्री की बात कर रही हूं मैं, इंडिया की हिस्ट्री को तीन टाइप में डिवाइड किया था, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, ठीक है। तो बट क्या ओनली तीन टाइप में डिवाइड करके सही किया था, नहीं था। क्यों, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास कल्चर्स थे, सोशल थे, पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे, उन्होंने उन सबको इग्नोर कर दिया था इन तीन टाइम पीरियड में बात करके, कि यहाँ पर हिंदू धर्म था, फिर मुगल आ गए, देन ब्रिटिश आ गए। वो सही था क्या, नहीं था। तो धीरे धीरे इसको इग्नोर किया गया, जो ये पीरियड को डिवाइड किया गया तीन पार्ट में, इसको बहुत ज्यादा प्राथमिकता ही नहीं मिली, इसको बहुत ज्यादा मानने वाले नहीं मिले। देन
हमारी जो इंडिया की हिस्ट्री है उसको तीन टाइम पीरियड में बिल्कुल आगे डिवाइड किया गया, लेकिन वो टाइम पीरियड अलग थे। फर्स्ट था एनिशियंट टाइम, दूसरा था मेडिवल टाइम एंड थर्ड था मॉडर्न टाइम। एनिशियंट टाइम मीन्स जब आग का आविष्कार हुआ था, लोगों ने खेती करना सीखा था, लोगों ने घर समाज में रहना सीखा था, वो एनिशियंट टाइम की हिस्ट्री है जो कि हम 6 में ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। मेडिवल टाइम की पीरियड की बात करें तो अभी जो आपकी बुक में है वो सब मेडिवल टाइम पीरियड का चल रहा है, मीन्स इस टाइम पीरियड में बीच में क्या हुआ। और मॉडर्न टाइम जो हम आज जी रहे हैं, आज से रिलेटेड जितनी भी हिस्ट्री है वो मॉडर्न टाइम में आएंगी। तो इस तरह से हिस्ट्री को तीन पार्ट में, इंडिया की हिस्ट्री को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, इनिशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न टाइम पीरियड में। तो इस तरह से हमने एक इस बुक का इंट्रोडक्शन इस लेसन में किया है कि हम आगे धीरे धीरे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आगे फिर मिलेंगे। गुड बाय।